दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेडिकल का जो न्यू सेटअप आया है 3.14। ये सेटअप जितने लोगों ने भी इंस्टॉल किया है सबको प्रॉब्लम हुआ है, यानी सेटअप ओपन करता है तो कुछ इस तरह का एरर मैसेज देता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अभी अपने एक सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर लॉगिन हूँ, कनेक्ट हूँ ऑनलाइन टेमीवर के जरिए से, और उसका टूल मैं ओपन कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का मैसेज दे रहा है एरर का, और ये कह रहा है कि मुझे, मैं दो दिन से परेशान हूँ इस चीज़ से और ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसी कंप्यूटर को ऑनलाइन कनेक्ट किया और इसका प्रॉब्लम का जो मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया और इसका टूल जो अब ओपन हो रहा है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पर इस टूल को ओपन कर रहा हूँ विदाउट डोंगल, यानी मैंने कोई भी डोंगल अब बॉक्स मेडिकल का नहीं लगाया है। तो मेरे कंप्यूटर में ये सेटअप इंस्टॉल हुआ और इस तरह से ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर आईडी आ गया मेरे कंप्यूटर का, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो सेटअप है इसमें आप जिनके पास मेडिकल बॉक्स है, मेडिकल डोंगल है, थंडर डोंगल है, ठीक है, वो भी इस सेटअप को यूज कर सकता है। जिनके पास नहीं है वो भी इस सेटअप को यूज कर सकता है। अगर आपके पास बॉक्स या की नहीं है तो आप इस सेटअप को अब रजिस्टर करवा सकते हो। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको हमसे मिल जाएगा, ठीक है, आपको उसमें थंडर डोंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से मेडिकल थंडर को यूज कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से हार्डवेयर आईडी चेंज कर सकते हो। यानी कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर में ले जाओगे तो आपको हार्डवेयर आईडी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट डोंगल मेडिकल थंडर को आप यूज कर सकते हो। और जो अभी मैंने आपको दिखाया अपने सब्सक्राइबर कंप्यूटर में कि उसका जो पहले से बॉक्स और की था उनके पास, लेकिन उनका सेटअप इंस्टॉल हुआ 3.14 लेटेस्ट वर्जन, लेकिन वो ओपन कर रहा था उस तरह का एरर दे रहा था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे उसे रिपेयर करना है। और ये जो फाइल आप देख रहे हैं सामने, ये फाइल है, ठीक है, तो ये विंडो 32 बिट का जो फाइल है ये, तो जो उसके सिस्टम में जो एरर दिखा रहा है मेडिकल ओपन करने पर, तो ये फाइल उसमें काम आएगा। और ये मेडिकल का सेटअप है लेटेस्ट वर्जन 3.14। इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप आगे इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर में, आपको इसे ओपन करके दोबारा आप देख सकते हो ये मैसेज आ रहा है ओपन करने पर। तो इस मैसेज को हमें जो है दूर करना है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे इसके कंप्यूटर में एक फाइल ट्रांसफर करना होगा, ड्राइवर जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो चलिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर पे मैंने क्लिक किया टेम व्यूअर पे, और इसके कंप्यूटर में हम उस फाइल को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरे सब्सक्राइबर कंप्यूटर है इस तरफ, और इस तरफ मेरा कंप्यूटर है, और यहाँ से मुझे एक फाइल भेजना है इसके कंप्यूटर पर। तो इसका कोई भी ड्राइव मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने उसका फोल्डर सिलेक्ट किया, एफ ड्राइव सिलेक्ट किया, उसके बाद एफ ड्राइव में मुझे यहाँ से फाइल भेजना है। ये रही सामने फाइल, इस फाइल को मुझे इसके कंप्यूटर में अपने सब्सक्राइबर कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। तो चलिए मैंने यहाँ से इसे शेयर कर दिया, कुछ केबी का फाइल है, तुरंत ये चला जाएगा फाइल, ठीक है। और इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब मैं अपने सब्सक्राइबर कंप्यूटर में हूँ, अब चलिए उस फाइल को मैं इसके जो जिस ड्राइव में भेजा था मैंने, उस ड्राइव से मैं उसे डेस्कटॉप पे लेकर के आऊंगा। यहाँ पे उठा करके आप देख सकते हो उसे मैं फाइल को उठा करके डेस्कटॉप पर ला चुका हूँ। उसके बाद इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आ गया सामने, सामने ये फोल्डर आ गया, इसे हम ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे ऊपर चेक लगाना है, फिर नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है इसे। अब ये इंस्टॉल हो गया, कुछ ही देर में फिनिश कर देंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है, चलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब इसे हम क्लोज कर देंगे इसके सारे पेज को। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर में मेडिकल टूल ओपन करके जो एरर आ रहा था, वो एरर जो मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा, अब इसका टूल ओपन हो जाएगा। और इसके पास जो है थंडर मेडिकल बॉक्स और की है इनके पास, और इनके कंप्यूटर में लगा हुआ है, इसीलिए अभी वो हार्डवेयर आईडी का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, डायरेक्टली इसका टूल ओपन हो जाएगा। और जिसके कंप्यूटर में अगर मेडिकल की छोड़ रहा है, यानी अगर लूज कनेक्शन है, आपका डोंगल पकड़ नहीं रहा है आपके कंप्यूटर से, तो उसमें हार्डवेयर आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बॉक्स और की प्रॉपरली लगा हुआ है, इसके सिस्टम से कनेक्ट है, जिसके वजह से वो हार्डवेयर आईडी नहीं मांगा, लॉगिन डिजिटल जो आपका लाइसेंस है वो चीज नहीं आया,
और डायरेक्टली इसका टूल यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टूल अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक डोंगल पे क्लिक मार देना है, आपका डोंगल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप एमटीके पे क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपको टूल यूज करना हो, एसपीडी या मीडियाटेक जो भी यूज करना है, क्वालकॉम यूज करना, आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, अब सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ जिनको ये परेशानी हो रही है, जो लोग परेशान हैं दो दिन से। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर और लाइक करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।